तो आई जी चैनल पर बहुत ज़्यादा इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट कैसे चला सकते हैं। अगर आप भी अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कर सकते हैं। हॉटस्पॉट एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जहाँ से कोई भी यूजर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से वाईफाई के द्वारा WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जिसके साथ में एक राउटर जुड़ा होता है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ में वर्क करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से किसी दूसरे के मोबाइल में नेट चला सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती और हॉटस्पॉट का यूज करके फाइल्स को शेयर भी किया जा सकता है। मोबाइल में इसके लिए ऑप्शन मिल भी जाता है, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ एक मोबाइल से हॉटस्पॉट के द्वारा दूसरे मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, हॉटस्पॉट है ना आपके मोबाइल में और राउटर के किसी भी फॉर्म में मतलब मिल जाता है। एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा आप अपने मोबाइल से किसी दूसरे के मोबाइल में तो नेट चला ही सकते हैं, साथ में अगर उसके डिवाइस में हॉटस्पॉट वाला ऑप्शन है तो आप उसके डिवाइस से अपने मोबाइल को कनेक्ट करके अपने मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल डेटा का यूज नहीं करना पड़ता। और अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो आपकी मोबाइल में डेटा बैलेंस नहीं और आपके फ्रेंड के मोबाइल में डेटा बैलेंस है तो आप उसके मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करके उससे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल में क्या करना है, आपको अगर अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट चलाना है तो आपको अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ ना सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना होगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाने के यहाँ पे आपको कनेक्शन नेट शेयरिंग वाला एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। इसको ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट वाला एक ऑप्शन दिखेगा। पर्सनल हॉटस्पॉट वाले ऑप्शन पहले से ऑफ होगा, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है, ठीक है ना। जिस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग। यहाँ पे अगर आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं या इस ऑप्शन को डिफॉल्ट ही लेने दे सकते हैं, ठीक। और अगर आपके मोबाइल में पहले से हॉटस्पॉट में कोई पासवर्ड लगाए तो यहाँ पे देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसके बाद है ना आपको क्या करना है, उसके बाद आपने अपने मोबाइल का काम तो पूरा कर दिया, अभी आपको अपने फ्रेंड के मोबाइल में वाईफाई को ऑन कर लेना है, ठीक है ना। तो वाईफाई को इनेबल करने के लिए हमको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको वाईफाई वाला ऑप्शन दिखेगा। वाईफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसको इनेबल करना है, मतलब आपके फ्रेंड के मोबाइल में वाईफाई को इनेबल कर लेना है। इसके बाद है ना यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क में आपको अपने उस डिवाइस का नेम दिखने लगेगा जिसमें आपने हॉटस्पॉट इनेबल कर रखा है, उस पर क्लिक करके आपको कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नाउ अभी आपका डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा, अभी आप अपने डिवाइस में सक्सेसफुली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। यह एक अच्छा तरीका जिसके द्वारा आप अपने मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस ना होने के बाद भी वाईफाई के द्वारा इंटरनेट को चला सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती और आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट तो कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप हॉटस्पॉट के द्वारा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो गाइस अभी आप जान गए होंगे कि वाईफाई हॉटस्पॉट के द्वारा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।